घमंडी बच्ची वर्सेस जादुई कप। लालगंज में रीना अपने परिवार के साथ रहा करती थी। रीना एक बहुत ही गुस्सैल और नकचढ़ी लड़की होती है। वो बात बात पर गुस्सा हो जाया करती थी और वो खाने पीने की काफी शौकीन भी थी। ऐसे ही एक दिन, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना ला दो। बेटी रुक जा, बस खाना बन रहा है, आज देर हो गई, लाती हूँ। नहीं मुझे अभी लाकर दो खाना, मुझे अभी चाहिए वरना मैं खाना नहीं खाऊंगी। ये हमेशा ऐसे ही नखरे करती है। फिर कुछ देर बाद, ले बेटी खाना खा ले, सॉरी थोड़ी सी देर हो गई। देर नहीं, पूरे 10 मिनट देर हो गई, मर गई मेरी भूख, नहीं खाना मुझे खाना। बेटी खा ले। आप ठीक है ना? लपड़ लगाऊंगी अभी तुझे, ये गुस्सा जाकर अपने बाप को दिखाया कर, मुझे नहीं। फिर माँ भी गुस्से में वहां से चली जाती है। क्या हुआ, क्यों डांट रही थी रीना को? अरे यार क्या बताऊं, गुस्सा तो इसकी नाक पर रहता है। खाना बनाने में थोड़ी सी देर क्या हो गई, खाना फेंक दिया नालायक लड़की ने। भाग्यवान अभी वो बच्ची है, धीरे धीरे समझ आ जाएगी उसमें। ठीक है, खैर बात आई गई हो जाती है। लेकिन रीना का गुस्सा कम नहीं होता है, वो आए दिन दिन बाद गुस्सा होकर कुछ ना कुछ तोड़ती फोड़ती ही रहती थी। वहीं रीना को तरह तरह के पेय पदार्थों का भी शौक होता है, जिस कारण वो आए दिन अपनी मम्मी से कुछ ना कुछ बनवाती रहती थी, लेकिन पसंद ना आने पर तोड़ फोड़ कर गुस्सा निकालती। ऐसे ही एक दिन रीना स्कूल से घर आती है। माँ मेरे लिए एक टेस्टी सा मैंगो शेक बना दो ना। ओके अभी लाई। फिर माँ उसके लिए मैंगो शेक लाती है। तो ये कोई मैंगो शेक है क्या? एकदम बकवास, ना मीठे का पता है ना थिकनेस का, ऐसा लग रहा है कि पानी में शक्कर घोल कर लाई हो। फिर मैंगो शेक टेस्टी ना होने के कारण रीना मैंगो शेक साइड में रख कर घर में पड़े कांच के सामान तोड़ने फोड़ने लगती है। ये क्या बदतमीजी है, पागल हो गई है क्या? तो क्या करूं, गुस्सा आ रहा है मुझे। आपको कुछ बनाने को कहो तो कुछ का कुछ और ही बना देती हो, पूरे मुंह का स्वाद खराब कर दिया। तभी रीना टेबल पर पड़ा एक कप उठाती है, उसे जमीन पर फेंकने जाती है। रुक जा बेटी। लेकिन जब तक रीना रुकती, कप उसके हाथ से छूट चुका था। लेकिन ये क्या, अचानक से कप जमीन पर गिरते गिरते हवा में उड़ने लगता है, जिसे देखकर दोनों माँ बेटी हैरान हो जाती हैं। कौन है ये जिसने मुझे गिराया? आएगा भूचाल, आएगा भौकाल, बातों का भूत मैं हूँ भूतकाल। मम्मी भूत। बेटी मैं क्या करूँ, अब गलती तो तूने की है ना, जब देखो तब तू कुछ ना कुछ फेंकती रहती है, कुछ ना कुछ तोड़ती रहती है, तो अब तू ही निपट इस भूतिया कप से, मैं तो चली। फिर माँ वहाँ से भाग जाती है, वहीं रीना बेचारी डरते हुए वहाँ अकेले रह जाती है। तुम वही हो ना जिसने मुझे तोड़ने की हिम्मत की, अब मैं तुम्हारी हड्डियों का चूरन बनाऊंगा। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, अब मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अरे चुप हो जा लड़की, मैं बहरा हो जाऊंगा ऐसे चिल्लाएगी तो। तुम मेरी हड्डियों का चूरा मत बनाओ, प्रॉमिस करो कि अब से नो तोड़ फोड़, अच्छे से रहना, नो बदमाशी करना। पिंकी प्रॉमिस, अब से उड़ने मस्ती, नो गुस्सा गुस्सी। गुड। तुम सच में भूतिया कप हो? अरे नहीं नन्ही गुड़िया, मैं तो हूँ प्यारा प्यारा, जहाँ से निकाला दादी माँ का आशीर्वाद जादुई कप आवारा। क्या तुम दादी माँ के जमाने के कप हो? हाँ बेटी, ये दादी माँ ने तुम्हारे लिए आशीर्वाद के तौर पर रखा था,
क्योंकि ये जादुई कप है। तो माँ, आपने मुझे कप की शैतानी पर यहाँ अकेले क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि रीना को आता है गुस्सा और कप भगाता है गुस्सा। अब रीना नहीं करेगी गुस्सा, वरना कप को आ जाएगा भूतिया वाला गुस्सा। नहीं नहीं नहीं, तुम भूतिया ना बनो, मैं गुस्सा नहीं करूंगी। अच्छा बताओ, दिल का इतना सारा गुस्सा कैसे निकालोगी इस छोटे कप पर? गरम गरम चाय डालकर। लो फिर पियो चाय। अरे इसमें तो चाय भी आ गई। हाँ, क्योंकि ये जादुई कप है। इसका मतलब कप मुझे जादू से तरह तरह के पेय पदार्थ पिला कर दे सकता है। हाँ, तरह तरह के चॉकलेट शेक, आइसक्रीम, कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी, टी हो या मैंगो शेक, सब। फिर तो मजा आएगा, फिर मुझे गुस्सा भी नहीं आएगा और माँ के हाथ के आंगन से भी बच जाऊंगी। इसके बाद रीना को जो भी चाहिए होता वो कप से मांग लेती, और फिर रीना कप के डर से सुधर जाती है और सबसे अच्छे से व्यवहार करके खुशी से रहने लगती है। क्या आपने कभी किसी चीज को बात करते हुए सुना है? अगर नहीं सुना है और सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही जादुई कहानियाँ देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बजाएं। टन टना टन टन।